खबर नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के बनौलिया मोहल्ले से आ रही है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें दो पुलिसकर्मी समेत एक अंचल कर्मी घायल हो गए हैं। इधर घटना के बाद सदर सीओ धर्मेंद्र पंडित व अन्य पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी डॉक्टर शिबली नुमानी, एसडीएम कुमार अनुराग घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ था। एक पक्ष के लोग रात में जमीन को घेराबंदी कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष के लोग रुकवाने लगे। इसी घटना की जानकारी मिलते ही सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचकर कार्य रुकवाने लगे, जहां बदमाश लोगों ने रोड़ेबाजी कर दी। बनौलिया में एक लैंड डिस्प्यूट था, कब्रिस्तान को लेकर के घेराबंदी हम कर रहे थे कुछ लोग, जिसके कारण तुरंत ही पुलिस फोर्स और सर्कल ऑफिसर वहाँ फील्ड विजिट किए थे। उसी में उस पर्टिकुलर अतिक्रमण को रोक दिया गया था, परंतु कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन लोगों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें दो लोग हमारे कर्मी घायल हो चुके हैं। उसी को लेकर के अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर, और स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी जिनको भी चिन्हित किया जाएगा।